हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा ब्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आपने तो अयोध्या वाला ब्लॉग देखा ही है। और जब हम वापस आए तो दो दिन के बाद मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे का भी शॉर्ट्स आपने देखा ही होगा। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और एक और नुकसान हो चुका, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या नुकसान हो गया हमारा। ब्लॉग देखते हैं, उनको पता ही होगा कि जब हम यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए थे तो बादल गरजने से हमारी टीवी उड़ के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। तो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी टीवी है ही नहीं, यहाँ की जगह है पूरी खाली। देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, मीन्स हमारे हाथ की हाइट पे था टीवी। जो टीवी का स्क्रीन है वो पूरा टूट चुका है और वो बन भी नहीं सकता। तो मेरे हस्बैंड ने टीवी उठाकर ही बाहर फेंक दिया है। अब हमारे घर में आया है नया टीवी जो कि एंड्रॉयड है। तो गाइज, आप देख सकते हो कि हमारे घर में आया है क्राउन कंपनी का टीवी, जिसमें कि ये सारे फीचर्स हैं। हमारी जो पहले वाली टीवी थी वो एंड्रॉयड नहीं थी और उस पर हम वाईफाई वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते थे, तो टीवी तो हमें लेना ही था। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हमारे घर में आ गई है फाइनली नई टीवी। और जो हमारी पुरानी टीवी थी वो शायद 24 इंचेस की थी और ये वाली जो टीवी है वो 32 इंचेस है। सो आई एम वेरी हैप्पी। हमने टीवी इंस्टॉल करने के लिए किसी को बुलाया है बट उनको आने में टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे घर में टीवी लग जाए। ही थोड़े देर पहले ही मेरे हस्बैंड यहाँ टीवी छोड़ के गए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमारे घर में आई है नई टीवी। एंड गाइज, आप मुझे ऐसे चंपू टाइप से देख रहे होंगे क्योंकि क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं हेयर ओपन करके, तो वैसे भी आपको पता है मैं खाना बनाती हूँ तो हेयर ओपन करके नहीं रखती। और आपको गर्मी में मेरे जितने भी ब्लॉग्स मिलेंगे वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। एंड गाइज, यहाँ पे बन रहा है खाना। इसमें बन रहा है मुनगा वाली दाल और यहाँ पे बन रहा है राइस। तो गाइज, दाल बन चुकी है और चावल भी रेडी हो चुका है। और दाल चावल के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ आम की चटनी, बहुत ही टेस्टी, खट्टी सी, तीखी, मुझे बहुत पसंद है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं आम की चटनी। और टीवी पे सबसे पहले मैंने देखा हुआ है अपना व्लॉग, खुद का व्लॉग। और एक चेंजेस हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली बर्तन जाली पहले यहाँ पर लगी हुई थी जो कि बेसिंग से बहुत ज़्यादा पास थी, तो मुझे बेसिंग में काम करते अच्छे से बनता नहीं था। बर्तन वाली जाली भी यहाँ पर लगा दी है। जाली पे इतने सारे बर्तन थे जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो उस पर डस्ट लग चुकी थी, तो मैंने सारे बर्तन वॉश करके रख दिए। गाइस, इस तरीके से था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय गाइज़।